पापा। ये पापा, ओहो इतना सारा दिवाली गिफ्ट, मम्मा का दिवाली गिफ्ट कहाँ है पापा? पापा भी आ गए। पापा पहले देखते हैं, फिर देखते हैं मतलब का क्या है। पापा मम्मा का दिवाली गिफ्ट दो। आहा पापा बना भी डालते हैं पूरा बंद बंद में। ये मेरा दिवाली गिफ्ट आ गया। तुम सोचो कैसे नहीं आया है इतना सारा दिवाली गिफ्ट। अरे लेट मी चेक, ये तो मेरा वर्क है। ये पूरा एक है, मैं आराम कर रही थी। अरे बाबा अभी और भी रखा कि दो तीन दिन से मेरी तबीयत वाव मेरा क्या इज सो ब्यूटीफुल। अरे कितना सुंदर है। पापा दिखाओ मम्मा को, ये दिखाइए। आराम से आराम से, ये पापा पास आइए पास। वीडियो लाइक थे और ज्यादा थे, वीडियो लाइक है और चैनल सब्सक्राइब है। ओ टीचर वाओ हैप्पी बर्थडे। बस ये खुले यार, बाकी सब खुले ठीक है। अबे तुम ऊपर आई, तुम चटनी बना दिए। ए ये ना मिठाई नहीं खराब करो बेटू। ओहो इसके साथ और भी है। अरे ऐसे ऐसे हाथी आते हैं। है वो मैंने हाथी आते हैं तो खाना है। अरे वाह आई क्यों आई क्यों, रुक जाओ रुक जाओ। ये सुंदर है, ये यहाँ रखते हैं। और क्या है इसमें? तो है हेरम के खाने पीने का सामान। हेरम का यहाँ ये देखो ये देखो ये लो। अच्छा ये तो प्रॉपर खाने वाली मिठाई आ गई है। कौन सी खाएगा? ओ THF का है, तब तो हेरम को बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमें ना THF के सामान बहुत अच्छे लगते हैं। वेट वेट हेरम चेक करने दो। लड्डू और बर्फी, मतलब दिवाली पे ये रहता है कि हम सिर्फ मिठाई कितनी लेके आते हैं, 250 ग्राम लेके आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए अपनी दिवाली मिठाई होनी चाहिए। ये तो वैसी मिठाई है बेटा, ये अभी खाने वाली है, नहीं तो खराब हो जाएगी। ये देखो मेरा गिफ्ट। तुमको ये फ्री में मिला ना, पैसा दिया आपने यार। मैं कैसे खाऊंगी, मेरी तो काजू कतली ना। अच्छा एक काजू कतली तो हम खा ही लें। ये लीजिए पापा, हैप्पी दिवाली। हेरम को खिलाओ। हेरम हैप्पी दिवाली है। अभी बोला मैं मिठाई खाऊंगा। हेरम को खाना नहीं है, हेरम को सिर्फ देखना रहता है। छुट्टी हो गई यार। अच्छा मैंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। मैंने अभी अमरूद खाया बस थोड़ा। तुमने क्यों नहीं खाया? ये सेम डब्बे हैं दोनों, अलग अलग दिए, एक ही इंसान ने दिया अलग अलग, इसीलिए मैं कहूँ की सेम है, बस ये एक्स्ट्रा में लगे हैं प्लीज है। बस ये सब मिठाई है। मम्मा खोल के दे रही, मम्मा खोल के दे रही, मम्मा खोल के। चॉकलेट, ये चॉकलेट कुकीज, ये सही है पता है। ऐसे कम से कम इसको हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी खाना। दादू को तो दादू खोल दे। ये वाला डब्बा तो सेम है, सेम जो इसमें मिठाई है वो सेम मिठाई इसमें रखी है। और इसमें क्या था दादू? पुडिंग सेट। मामा मुझे ले ले, और का सेट है ये। अभी तक मैंने क्रॉकरी खरीदी नहीं है। आप ये सोचो काफी टाइम तक तो मैंने वो भी नहीं खरीदे थे। ये तो अच्छा है अपना, इसको हम रखते हैं अंदर, अच्छा है। पापा इसको जरा उधर रखे, नहीं तो ये तोड़ देंगे हेरम से हमारे। इधर ऊपर रख दो। अब मैं अनबॉक्स करता हूँ अपना फोन। पता है देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बाकी सब समेट लो तब। हाँ हाँ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आईफोन खरीदा था, मैंने आईफोन नहीं लिया था क्योंकि आईफोन मेरे पास एक है और बिना मतलब का। यार देखो अननेसेसरी
चीजों को लेना मुझे समझ में नहीं आता। मुझे चाहिए था एक प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए फोन कि मैं ब्लॉगिंग अपनी कर सकूं अच्छे से, और मुझे और किसी चीज के लिए फोन चाहिए भी नहीं था। तो मैंने आईफोन नहीं लिया है। आईफोन मन करेगा तो ले लेंगे, बात अलग है, बट अभी के लिए फिलहाल आईफोन नहीं लिया। अभी मैंने लिया है और ये कल ये कलर नहीं मिला था एक्चुअली में, तो इसीलिए हम कल छोड़ के आ गए थे शॉप पे। उन्होंने कहा था कि आज ये कलर आ जाएगा तो दे देंगे। ये देखो ब्लैक कलर, बाकी सब उसी में तो पिन विन है, कवर भी है, इसमें भी है कवर, ये ओरिजिनल कवर है इसका। हां लगा दो तो। हां अभी लगाएंगे पापा, सिम लगा ले, फिर लगाते हैं। और इसके साथ वीवो वाले इतने अमीर हैं कि हमको चार्ज इसके अंदर कुछ नहीं है, डब्बा डब्बा है। ये हो गया, ये कवर हो गया इसका। और इसके साथ ही साथ मेरे इस वाले के, वैसे तो मेरे पास में एयरपॉड्स हैं, ये वाले एप्पल वाले हैं जो मैं अपने आईफोन के साथ यूज करती हूँ, बट फिर ये हुआ कि इसके साथ भी यूज करने के लिए कुछ तो चाहिए। आदत अब एयरपॉड्स लगाने की हो गई है, उस चार्जिंग में लगा देना इसको। इसको ये इसी से चार्ज होगा, वन प्लस वाले केबल से, मतलब कितना सुंदर है। अटैच करके देखा आपने? अटैच अभी यूज करके नहीं देखा था क्योंकि बैटरी अभी एक्टिवेट नहीं किया था ना फोन। ये आपके वाले साइज का है तो ठीक है, मैं यूज कर लूंगा। यार यही दिक्कत है, ये वाला मेरे कान में ना फिट नहीं बैठता है। अब तो मेरे इस वाले फोन में कनेक्ट हो जाएगा ना। हाँ हाँ फिर मैं क्या, मेरे नए फोन में कनेक्ट हो जाएगा। दादू को दो, हम नहीं खा रहे, आपको पता है ये सब नहीं खाते। तो तुम्हारा आईफोन वाला भी इसमें कनेक्ट कर दूंगा, दोनों में जिसमें जाओ उसमें चलाओ। आईफोन इसमें कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हो जाएगा कनेक्ट। तो फिर आप ये ले लो क्या, पुराने वाले है का कान वाला, वो जो है वो आपने करेक्ट नहीं होगा। वैसे भी खराब हो गया जिसके लिए मशीन लेके आनी है। कैसे कैसे हो खराब, और क्या, एक ही कान आपका सुनने के लिए बचा है, हेडफोन लगाएंगे खराब हो जाए। एक कान पापा का बिल्कुल सुनाई नहीं देता इस टाइम में, पता है। अभी पापा का खा रहे हो और आप बात कर रहे हो, आप पीछे से बोलोगे कुछ नहीं सुनेंगे, तो हम इंतजार लगे थे। तो रखो कवर, वो नहीं लगा, गिरेगा तो आराम से लेके जाओ बेटू, उसको डब्बे के अंदर भी डाल दो। वो मेरे लिए इस फोन का है, वो मेरा है, मेरा है। लाओ टू चेक कीजिए तो बाबू गिर जाएगा, वो आईफोन जैसा नहीं है कि 10 बार गिराते हो वो नहीं टूटता। कंप्यूटर चेक कराए रे, इसीलिए एयरपॉड्स लगाए, मतलब हेडफोन लगाने के लिए पापा को मना करते हैं क्योंकि एक फोन दिक्कत कर रहा है ना। एक काम नहीं, आपको एक काम करेंगे, बात अलग है, लेकिन पहले आपका काम सही कराना। नहीं पापा को केबल वाला देंगे ना, तार वाला लगा के अपना, ये वाला गिर जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा ना कान से। अरे तुमको देखा नहीं, तुमने पापा के लिए कपड़े दिलाए, मोबाइल वाली अभी दिखाओ, मोबाइल उसी के अंदर डाल के भी डब्बा बंद कर दो, हम सिम लगा के जब कर देंगे एक्टिवेट, कवर वगैरह लगा के कवर चेंज किया अपने फोन का। अब लोग कवर 40 मैंने लिया है, ठीक है, बस ये वाला मेरा हो गया। हेडफोन मैंने ये वाला लिया, एक हाय दे बस, ये सही था। पहली बार ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में बहुत भर के आ गए हैं, ड्राई फ्रूट सब बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। इधर तो मामा कैमरा बोल रहे थे, ऑन कैमरा भी बोल सकते तो यार अभी नीलकंठ का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, मिठाई में बहुत ज्यादा, मतलब ये लोग घपला करते हैं, तभी ये कह रहे हैं कि नीलकंठ का एक बच्चा ये अच्छा लगा ना, सो पीस है। हाँ, लेकिन इसको भाई नहीं पापा, सो पीस है, लेकिन अभी इसको भाई बहुत संभाल के रखना है क्योंकि अभी हमारे हेरम सिंह थोड़े छोटे हैं। हाँ वही है, सो पीस ही है, बस उसी लिए है पापा, सजा के बस रखने वाला ही है क्योंकि ये बस तो तो ये इतने अभी का हमारा दिवाली गिफ्ट हो गया है, हमको भी दिवाली गिफ्ट मिल गया है, पापा के भी कपड़े आ गए हैं। ये देखो तुमने, देख ये देखो, पापा को पापा की पसंद के कपड़े दिलाए, आपको देखो एक तो पापा ये पैंट मुझे अच्छी लगी, सब दी रही क्या पा? पहना के दिखाया था, फिटिंग थी वो बड़ी चौड़ी लग रही है। नहीं यार 36 थोड़ी टाइट हो रही थी पापा को। नहीं भाई 36 ही आएगा, 38 ढीली हो जाएगी, हल्का ढीला है पापा, पीछे पड़े पैंट
टाइट ले ली, मैं पहना टाइट नहीं ढीली ली हो यार ये, अभी एक बार पहनेंगे ढीली हो जाएगी, उनको पता है छोटू कभी कुछ खा लो तो उनको कंफर्टेबल है ना, हमको भी हल्का उनको भी लग रहा है, एक बार जब धुलेंगे तब वो कहेंगे अभी ऐसे तेज के तब सीधे जाने का नहीं। क्या कर रहा है एक बार ठीक है कितना बड़ा शर्ट टी शर्ट हाँ एक्सल ठीक है, ये डबल एक्सल है ना पैंट, ठीक है एक्सल ही आती है इनको, पापा को जो कलर पसंद है वही दिलाइए, वही रंग देंगे, इनका साइज बड़ा ऐसे बड़ा रहा है वो एकदम ठीक है, इससे बड़ा क्या हमको लग रहा है, फिर 9 से 10 साल हो रहा था ना वो तो बिल्कुल बिल्कुल फिटिंग का होगा, अरे 5 से 8 साल है ना पहले ही, बस 7 से 8 साल में तो उस दिन भी लाए थे फिटिंग, अरे तो उसके बाद 9 से 10 साल आ जाता है यार, वो बिल्कुल बड़ा था, दिखाया मैंने पापा को, तुम तो बहुत लड़ाई करते हो यार मुझसे, हेरम शर्ट अच्छा है तुम्हारा, हाँ हेरम पहन के देखा बढ़िया लगा उसको, लड़ाई करते हो यार तुम, पूछो नहीं अब मैं अपना सामान नहीं दिखाऊंगा, दिखाओ उसके लिए सुन लो और क्या दिखाओ, मैंने बस एक ये टी शर्ट ली गन्नू के लिए, सिर्फ एक शर्ट और कुछ था नहीं, पैंट लोअर कुछ नहीं मिला, हमें आराम करने जा रही थी, फैल गया, आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ, अब तुमको आईफोन दिला, ठीक है इसके बाद मैं अपने पति को आईफोन दिलाऊंगी, मेरे पास आईफोन है नहीं क्या, मेरे हस्बैंड कितने दिन से आईफोन मेंटेन कर रहे हैं, 4 साल हो गया इनको आईफोन मेंटेन करते हैं, मुझे 6 साल हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और दिवाली की मिठाइयां आप लोग भी हमारी तरफ से, ये हैप्पी दिवाली, पहले शुभ दिवाली होती है, हैप्पी दिवाली थी, सॉरी शुभ दीपावली, और कल धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और बस क्या क्या आप लोग धनतेरस के दिन खरीदने जा रहे हैं आप मुझे बताइएगा, मैं वैसे कुछ खरीदने जा रही थी धनतेरस को, लेकिन मेरा खर्चा वैसे अभी पति आने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ क्या पता हूँ दिला दे, तो कल के वीडियो में आपको चॉकलेट दे दूंगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कौन सी खाओगे ये चॉकलेट, हाँ ठीक हेलो हाँ।